Hello everyone, this is Amina and अभी हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 2A काली एंड द रैट स्नेक. सो इस स्टोरी को, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो स्टूडेंट, ये है आपका पार्ट 1 और इस वीडियो के बाद मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी. सो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है काली. काली है इरुला ट्राइब का. इरुला ट्राइब जो फेमस है स्नेक कैचिंग के लिए, सांपों को पकड़ने के लिए, यानी एक शब्द में कहे तो सपेरा. तो ये ट्राइब, ये जनजाति तमिलनाडु के तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं. इरुला ट्राइब के लोग फेमस हैं, प्रख्यात हैं सांपों को पकड़ने के लिए. और काली के फादर, वो भी बहुत अच्छे स्नेक कैचर हैं. तो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से काली जो है लड़का, ये अपने पिता के काम पर इसे बहुत ज़्यादा गर्व था, लेकिन कैसे ये दूसरे बच्चों के सामने अपने स्कूल में बहुत अजीब बन जाते हैं, किस तरह से ये उनके सामने एबनॉर्मल होते हैं और फिर क्या होता है, ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और इसे समझेंगे अभी. सो अभी लाइन बाय लाइन हम लोग इसको पढ़ेंगे. और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रेड कलर में मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. आप सभी अपना अपना बुक्स निकाल लीजिए. काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड. ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल. काली झाड़ी नुमा जंगल के रास्ते से धीरे धीरे वो स्कूल की ओर जा रहा था. काली's फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर. काली के पिता जो थे वो बहुत ही फेमस, विख्यात सपेरा थे इरुला ट्राइब के. ही हैड कॉट ओवर 100 कोबराज दिस मॉनसून एंड ब्रॉट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली. इस मॉनसून में वो बहुत सारे कोबरा, 100 से ज़्यादा कोबरा वो पकड़ के लाए थे और परिवार के सदस्यों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाए थे. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोबरा से ये अच्छी अच्छी चीज़ें किस तरह से खरीद के लाए थे. सो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, इसका आंसर जानते हैं. द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक. तो ये लोग सांपों को पकड़ करके स्नेक कोऑपरेटिव में बेचते हैं. एक जहरीले सांप पर ₹150 इनको दिए जाते हैं. दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नेक्स टू मेक एंटीवेनम सीरम. ये सांपों को पकड़ करके उनका जहर निकालते हैं ताकि इससे विषरोधक रस बना सके. विषरोधक रस से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं. एंड व्हेन काली वेंट स्नेक कैचिंग विथ हिज फादर हिज लेग्स वर्क्ड लाइक मशीन्स. जब काली अपने फादर के साथ सांपों को पकड़ने जाता था तब उसका पैर जो है मशीन की तरह काम करता था, यानी बहुत ही तेज़ी से काम करता था. बट नाउ He dragged his feet. लेकिन अभी वो खुद के पैर को घसीटता हुआ वो जा रहा था और खुद से वो कह रहा था, I hate school. मुझे स्कूल से नफरत है. And as his walk got slower and school hates me. और धीरा हो और उसका चाल और धीमा होता गया और वो ये भी कह रहा था आसपास की झाड़ियों से कि स्कूल भी मुझसे नफरत करता है.
The bushes did not seem to understand or feel sorry for him. यहाँ पर झाड़ियाँ जो हैं वो उसकी बातों को समझ नहीं रहे थे, ना ही उसके लिए बहुत ही बुरा महसूस कर रहे थे. It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friend. I get the feeling. अब वो सोच रहा है कि अब स्कूल को जाते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरा अभी तक कोई भी फ्रेंड नहीं है. और मुझे ये एहसास हो रहा है कि आई थिंक दे थिंक वी इरुलाज आर वियर्ड, कि बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि हम इरुला ट्राइब के जो लोग हैं बहुत ही अजीब हैं. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के पहले दिन में, ईच स्टूडेंट हैज टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 things. सभी बच्चों को बारी बारी से खड़े होकर के पूरे क्लास को 3 चीज़ें बतानी थी. हिज और हर नेम, अपना नाम, द नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम, एंड व्हाट देयर फादर डिड, और उसके पिताजी क्या करते हैं. तो इस क्रम में ये 3 चीज़ें बताने के लिए पहला बच्चा क्लास का खड़ा हुआ और उसने कहा, माय नेम इज़ रामू, मेरा नाम रामू है. माय विलेज इज़ मलूर. माय फादर इज़ अ बस कंडक्टर, मेरा गांव मलूर में है और मेरे पिता जो हैं वो बस कंडक्टर हैं. फिर उसके बाद सेल्वी की बारी आई और अथूर की बारी आई, पोस्टमैन. और फिर सब होने के बाद उसके बाद टर्न आया, बारी आई काली की. He was so proud that he felt like a balloon. उसे बहुत गर्व था, बहुत घमंड था कि वो बलून की तरह उस समय फूला हुआ था. I am Kali. My village is Kanatur. My father is a snake catcher. और बहुत ही गर्व से उसने कहा, मेरा नाम काली है, मेरा गांव कनतूर में है और मेरे पिता है वो सांप को पकड़ने का काम करते हैं. स्नेक कैचर, सांप को पकड़ने का काम. ये बात सुन करके सारे बच्चे जो हैं वो मंद मंद मुस्कुराने लगे और एक दूसरे को, अगल बगल जो बैठे हुए थे, कोहनी से उनको छू करके, शायद काली का ये बात सुन करके उसका मजाक उड़ा रहे थे. तो ये देख करके काली को फील हुआ कि जैसे कि उसने कुछ ही बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात कह दी हो कि सारे बच्चे हंस रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, काली के जीवन में पहली बार उसे ऐसा फील हुआ था कि अब उसे इरुला ट्राइब के होने पर गर्व नहीं था. ही विश्ड ही वेयर जस्ट लाइक अदर्स एन ऑर्डिनरी बॉय. अब उसको ये उसकी इच्छा हो रही है कि काश वो भी दूसरे बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह बस कंडक्टर फादर का बेटा होता. एनीवे, दैट वाज 2 months ago. तो ये थी 2 महीने पहले की बात. अभी काली को स्कूल आते आते 2 महीने बीत चुके थे. काली वाज गेटिंग यूज्ड टू इट. काली को अब इस चीज़ की आदत हो चुकी थी. बट इट वाज हार्ड. लेकिन ये मुश्किल था उसके लिए. ऑफकोर्स हम लोग भी अगर स्कूल जाते, स्कूल में होते और हमारा कोई फ्रेंड्स नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है. यहाँ तक कि अगर हम लोगों के फ्रेंड्स नहीं आते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि स्कूल ना जाए. तो हम सबके लिए फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो जस्ट थिंक, सोचिए काली को उस समय कैसा फील होता होगा. एंड हिज स्कूल वर्क गॉट स्लोअर एंड स्लोअर. इस कारण से ही उसका स्कूल की ओर जाने का चाल जो है वो धीरे और धीरे होता जा रहा था. काली रीच स्कूल. काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग. तब काली स्कूल पहुंचा. जैसे ही बेल बजी स्कूल की, एज यूजुअल ही सेट इन द बैक रो. हमेशा की तरह वो सबसे पीछे की लाइन में, बेंच में बैठ गया. अलोन, अकेला ही बैठा था वो. विशिंग ही हैड फ्रेंड्स. अब वो ये इच्छा कर रहा था कि काश उसके कोई फ्रेंड्स होते. विशिंग
ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। और अब वो इच्छा कर रहा था उसके साथ साथ कि काश वो फेल हो जाता और उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। बट फेलिंग वॉज़न्ट ईजी, लेकिन फेल होना इतना आसान नहीं था। ही हैड ट्राइड, काली ने कोशिश की थी फेल होने की। बट हावेवर बैडली ही रोट हिज लेसन्स, लेकिन जितना भी खराब वो अपना चैप्टर्स अपना कॉपी में जितना भी खराब लिखता था, द टीचर सीम्ड प्लीज्ड विथ हिम, लेकिन टीचर उससे बहुत ही खुश होते थे। दिस मॉर्निंग, अब आज की सुबह क्या हुआ, दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग। तो काली के क्लास में मैथ्स था और राइटिंग, राइटिंग यानी कि कोई लैंग्वेज का था, चाहे वो हिंदी होगा या फिर इंग्लिश। ओके, एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम, और मैथ्स और राइटिंग का क्लास होने के बाद उनका ब्रेक टाइम था। द चिल्ड्रन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स, तो जैसे ही ब्रेक टाइम हुआ तो बच्चे तेजी से बाहर आए अपना भोजन करने के लिए। सम हैड इडली, कोई इडली लेके आया था। अदर्स हैड मिक्सचर, कोई मिक्सचर लेके आया था। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और टू और थ्री बिस्किट्स, कोई ब्रेड लेके आया था, कोई दो तीन बिस्किट्स लेके आया था। अब काली अपना टिफिन खोलता है और देखते ही ओह नो, फ्राइड टर्माइट्स, ये तो भुनी हुई चींटियां हैं, दीमक है। लेकिन अब तक काली का यही भुनी हुई चींटी टर्माइट्स जो है वो फेवरेट हुआ करती थी, पसंदीदा थी। लेकिन अब उसके मन में ये आ रहा है कि क्या होगा अगर किसी ने ये देख लिया कि मैं टर्माइट्स खा रहा हूँ। ही'ड हैव टू हाइड, अब उसे ये चीज़ छुपाना होगा बाकियों से। ही सेट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर्स एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, तो वो बाकी सारे बच्चों से बहुत दूर जा कर के दीवार पर बैठ गया और अपना टिफिन फिनिश किया। टर्माइट्स, दीमक, डिन टेस्ट एज गुड हियर एज एट होम। अब वो सोच रहा था कि दीमक जो हमको घर में इतना टेस्टी इतना स्वादिष्ट लगता था, यहाँ पर स्कूल में बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा है, बिल्कुल टेस्टी नहीं है। सपोज़ समवन आस्क व्हाट आई हैव बॉट, काली वंडर्ड एनेक्शियसली। तो फिर अब वो सोचने लगा कि मान लो अगर कोई मुझसे पूछता है या फिर कोई मेरे सामने आता है तो मैं उनसे कि मैं टर्माइट लाया हूँ, दीमक लेके आया हूँ, तो फिर क्या होगा। तो इस बात को सोच सोच करके काली बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। उसके बाद द बेल रैंग, घंटी बजी, ब्रेक वॉज ओवर, ब्रेक खत्म हो गया। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश, वही सेम टीचर ही हमारे क्लास में आए थे लेकिन विषय था इंग्लिश। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑन देयर स्लेट्स, बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अपने स्लेट्स पर लिखना था। टीचर वॉक्ड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक, तो टीचर उसी बीच में हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने का काम टीचर ने दे दिया था और उस बीच टीचर अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ के क्लास में घूम रहे थे। हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स, और उस समय वो एक बच्चे को मार रहे थे जिसने कुछ गलती की थी। ये देख कर के काली ने सोचा, लक्की, ये तो बहुत ही खुशकिस्मत है, लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, वो कितना खुशकिस्मत है कि उसने टीचर को शिक्षक को नाराज किया, गुस्सा दिलाया। ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू, तो अब काली के दिमाग में एक और आइडिया आया कि चलो मैं भी अपना स्लेट को पूरा गंदा कर देता हूँ और मैं भी कोशिश करता हूँ कि टीचर भी मुझसे नाराज हो। फिर क्या हुआ, टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, टीचर काली के सामने खड़े हो गए। बट इंस्टीड ऑफ ए स्विस ऑफ द स्टिक, लेकिन काली को छड़ी लगाने के बजाय ही गॉट अ पैट ऑन द बैक, काली को पीठ पर टीचर ने शाबाशी दिया।
टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी। अब टीचर ने काली का स्लेट उठाया पूरे क्लास को दिखाने के लिए और उन्होंने कहा, हियर, देखो इधर, दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन, कि इस तरह का ही काम मैं सबसे देखना चाहता हूँ। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर, काली कुड हियर द विस्परिंग। अब काली को ये देख करके भी बहुत बुरा लगने लगा कि अब जब टीचर ने, एक तो उसका स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं है, ऊपर से अभी टीचर ने उसके इतने गंदे काम को भी शाबाशी दी, ये देख करके काली को ऐसा फील हुआ, अब तो पहले से ही मुझे सारे बच्चे इतना नफ़रत करते हैं, अब तो और ज़्यादा मुझे नफ़रत करने लगेंगे, और ये देख करके सारे बच्चे हैं फुसफुसाने लगे। He'd never have friends in the school and he'd never get kicked out. अब वो ये सोचने लगा, अब तो मेरा कभी भी कोई दोस्त बन नहीं पाएगा और ना ही मुझे स्कूल से निकाला जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो बच्चों, ये था पार्ट वन, और अब तक हम लोगों ने देखा कि काली को स्कूल से नफरत है, काली को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी तक उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। अगर वो कुछ बोलता है तो सारे बच्चे हंसते हैं, कोई भी उसके साथ फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता है। उसे ये फील हो रहा है कि सारे बच्चे मुझे अजीब समझते हैं। तो देखेंगे कि अभी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में, काली के कोई फ्रेंड्स बने कि नहीं बने, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, इस स्टोरी को, इस पार्ट वन को ध्यान से सुनने के लिए। आई होप आप सभी को ये कहानी अब तक की समझ में आई होगी। थैंक यू अगेन।